आज हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर को समझेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए उससे पहले हम लोग स्क्वायर को समझते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट समझेंगे। तो स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी का भी पावर में 2 दे दिए तो वो स्क्वायर हो गया। जैसे 2 का पावर 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम लोग 16 का पावर 2 दे दिए तो ये 16 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, 175 का पावर 2, तो ये 175 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्यूब, देखिए क्यूब का मतलब होता है किसी का भी पावर 3 दे दिए तो वो हो गया क्यूब। किसी का भी पावर 3 दे दिए, 16 का पावर 3 दे दिए तो 16 का क्यूब हो गया। 175 का पावर 3 दे दिए तो 175 का क्यूब हो गया। अब समझते हैं स्क्वायर रूट, जो कि इस चैप्टर को हम लोग को समझना है। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो हम लोग को स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसे लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे मान लीजिए 764 लिखा हुआ रहेगा, ये किसका स्क्वायर रूट है ये हम लोग को समझना होगा, ठीक है। और एक है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, ठीक है। और क्यूब रूट में देखिए यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, और स्क्वायर रूट में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। स्क्वायर का मतलब होता है देखिए 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखने का जरूरत नहीं होता स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसी तरीके से ये क्यूब रूट हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं ट्रिक से कि स्क्वायर रूट आखिर निकालेंगे कैसे और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए स्क्वायर रूट आखिर कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रिक से निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 होता है पावर, तो 1 2 गिन के हम लोग को दागी दे देना है, ठीक है। अब ये 17 देखिए 16 का स्क्वायर का करीब हो रहा है। 16 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर के करीब हो रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये दोनों का स्क्वायर के ये बीच में आ रहा है। तो सबसे छोटा वाला लेना है हम लोग को, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जा रहा है इससे, तो इसीलिए 4 का लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 64 है, तो देखेंगे यूनिट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और देखिए 4 होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसमें भी देखिए 4 आ रहा है और ये भी 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 तो लिख दिए हैं। अब या तो ये 44 का स्क्वायर होगा, या फिर नहीं 42 का होगा, या फिर 48 का होगा। तो कैसे समझेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं 4 और 5 के बीच में, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, और ये 17 जो है ये 20 से कम है, तो ये कम है 20 से, तो हम लोग कम वाला लेंगे, मतलब 8 नहीं लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 का स्क्वायर। और एक हम लोग समझते हैं, और एक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 गिन के दागी दे देना है। और ये जो देखिए 27 है, ये 5 का स्क्वायर के करीब में है, 5 और 6 के स्क्वायर में देखिए बीच में है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसके बीच में है ये, तो 5 और 6 लिख दिए। और ये छोटा वाला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और बड़ा वाला नीचे में। और ये 4 है, 4 को हम लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर के लास्ट, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसमें भी आ रहा है 64 आ रहा है और 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। तो या तो यहाँ पे 8 होगा या तो 2 होगा। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब 30 जो है ये 27 क्या है, 30 से कम है, 30 से ये कम है, तो कम वाला लिखेंगे, तो 8 ना लिख के हम लोग 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 52। और यही हम लोगों का इसका स्क्वायर रूट से ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्यूब रूट देखते हैं, अब हम लोग क्यूब रूट देखेंगे। क्यूब रूट मतलब देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट करके दागी दे देना है। और ये 3 देखिए ये 1 का क्यूब के करीब में है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब देखेंगे तो 8 हो जा रहा है। तो 1 और 2 का क्यूब देखिए 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कम वाला हमेशा देखते हैं, तो 1 का क्यूब के ये करीब है। और ये 375 देखिए 5 है लास्ट में, तो देखिए 5 का जब क्यूब करते हैं हम लोग, तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, तो इसका यूनिट डिजिट हो जा रहा है, 5 मिल जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। हम लोग और एक देख लेते हैं, मतलब ये 15 का क्यूब रूट से अगर इसको निकालेंगे तो 15 निकल जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग देखते हैं, 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3 काउंट करके हम लोग दागी दे देंगे। यहाँ पे 1 जो है ये 1 का क्यूब रूट है, तो 1 लिखेंगे। और ये देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये 1 जो है किसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे आता है, देखिए 1 का क्यूब ही 1 होता है, और किसी का क्यूब रूट के ये लास्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कितना ईजी तरीके से क्यूब रूट निकल गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, इसमें दिया गया है यदि रूट अंडर 1 + 25 / 144 इज इक्वल टू 1 + x / 12, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो x का मान निकालें। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको पहले रूट है तो रूट लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा + 25 / 144। देखिए इसे इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 25, फिर 144 इज इक्वल टू 12 × 1 12 + x / 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 144 और 25 169 होता है, डिवाइडेड में ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12 + x / 12। अब देखिए ये 13 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये निकल गया 13 निकल गया और इसका 12 निकल गया इज इक्वल टू 12 + x / 12। अब ये 12 12 कट जाएगा तो हम लोग का बचा क्या, 13 इज इक्वल टू 12 + x। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 13, ये 12 इस इक्वल टू के इस साइड में प्लस में है तो इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब 13 से 12 घटाएंगे तो 1 इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1, ये एक्स का वैल्यू 1 आ गया, यही हम लोगों का आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक से हम लोग एकदम हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग उतार लिए और एक्स का मान बोला गया है, तो एक्स का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसे इसको मल्टीप्लाई करिए 144, फिर प्लस है तो प्लस x / 144 इक्वल टू 13/12, और ये रूट जो हटेगा स्क्वायर हो जाता है, इस पार में स्क्वायर दे देते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 + x / 144 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, फिर डिवाइड है तो डिवाइड 12 का स्क्वायर 144। देखिए दोनों साइड में एक ही जैसा है तो ये कट जाएगा, हम लोगों का बचा 144 + x इक्वल टू 169, इसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 169। अब ये इस पार में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 से 4 घटेगा तो 5 और 6 से 4 घटेगा तो 2, x इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें देखिए अंडर रूट करके इतना लिखा हुआ है तो ये सब का ऐड करना है, सेम वैल्यू दिया गया है तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसा है तो 135 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए एक ही है तो 135 तो होगा ही, इसमें दो गो के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो दो गो के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2 गो के बाद पॉइंट, फिर प्लस, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो के बाद पॉइंट है तो 3 गो के बाद पॉइंट होगा, तो 135 है लिख लिए। अब 1 2 3 के बाद पॉइंट, अब इस पॉइंट को देखने के लिए इधर 0 हम लोग दे सकते हैं, अभी सबको ऐड कर देना है तो ऐड करते हैं 135, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 13.5, फिर 1.35, तो 1.35 और है 0.135, ये सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 को 3 8, फिर 5 को 3 8 और 1 9, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 5 को 3 8 और 1 9, 3 और 1 4 और यहाँ पे 1, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेम उसी तरीके का है, देखिए 155 है तो यहाँ पे लिखेंगे 155, और देखिए दो गो के बाद पॉइंट है तो हम लोग एक के बाद पॉइंट देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो 155 लिखना ही है, फिर प्लस है, फिर प्लस देके 155 हम लोग लिख लेते हैं, फिर प्लस 155, 1 2 3 4 गो था, 4 गो लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 2 गो के बाद पॉइंट, यहाँ पे 6 गो के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट को देखने के लिए 0 दे सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट है तो 4 गो के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 और एक दे देते हैं, 4 हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट को देखने के लिए इधर हम लोग 0 दे सकते हैं, मतलब 0 पॉइंट ऐसे करके लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 15.5, तो यहाँ पे 1.55, फिर 0.155 और यहाँ पे हो जाएगा 0.0155, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 5 10 और 1 11 और 1 12 का 2, फिर कैरी 1 5 4 5 10 और 1 11 और कैरी 1 था तो 12 का 2, फिर 1 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पे 1, तो इतना हम लोगों का आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा गया है तो हम लोग पूरा नहीं उतारेंगे। देखिए 21 प्लस रूट 11 प्लस, देखिए यहाँ पे रूट है तो यहीं तक हम लोग उतारते हैं, या फिर उतार लेते हैं पूरा फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन उतार लिए, अब लिखेंगे हम लोग 21 फिर प्लस रूट 11, फिर ये प्लस है तो प्लस, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 25 का हो जाता है 5। एकदम लास्ट साइड से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पहले लास्ट यही हो गया इसका, तो इसका 5 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 प्लस रूट 16 हो जाएगा। देखिए ये 11 और 5 16। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 21 प्लस 16 का होता है 4। अब रूट 21 और 4 25, अब 25 जो है ये 5 का हो जाता है। अब अगर हम लोग इतना लिख के बनाएंगे, इतना तो टाइम एग्जाम में नहीं मिलता है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5, ये रूट 25 जो है 5 का निकल गया। अब 5 को इससे ऐड करिए तो 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 का मतलब हो गया ये 4 का निकल जाएगा। अब 4 को इससे ऐड कर दीजिए 25 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो हम लोग का ऐसे माइंड में ही ये सॉल्व हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए इतना लिख के समझाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है क्यूबिक रूट 1 माइनस 91 बाई 216। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्यूबिक रूट लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 216, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 91 है तो 91 बाई 216। अब इसको हम लोग ऐसे उतारेंगे, क्यूबिक रूट दे दिए। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 125 बाई 216। अब ये जो है 125 जो है ये 5 का क्यूब है, और ये 216 जो है ये 6 का क्यूब है। अब देखिए ये क्यूब और ये स्क्वायर, ये क्यूब रूट कट जाएगा तो बचेगा हम लोग 5/6, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली करेंगे, जैसे 64 है ये किसका क्यूबिक क्यूब रूट होता है, ठीक है, 64 जो है किसका क्यूब होता है। तो देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 4 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 गो है, जब क्यूब रूट रहेगा और यहाँ पे 6 गो है तो 6 को देखिए ये क्यूब रूट से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आएगा, तो 2 को के बाद पॉइंट कर देना है, जितना आया उतना के बाद पॉइंट, तो 1 है ही और 1 देखिए पॉइंट, ठीक है। 6 गो रहेगा मतलब 2 गो के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। यही पे अगर रहता 6 के जगह पे अगर कुछ और रहता तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे 12 रहता, यहाँ पे 12 के बाद पॉइंट रहता तो हम लोग 3 से डिवाइड करते 4 आता, तो 4 गो के बाद पॉइंट होता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है रूट एक्स डिवाइड है, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे रूट 441 इज इक्वल टू 0.02 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये रूट एक्स ही रहने देते हैं, डिवाइड 441 जो है ये 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये 0.02 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू 0.02, और ये इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 21 है तो 21 होगा। अब हम लोग करेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू, इसी इसको मल्टीप्लाई करिए तो 21 टू जा 42। अब दो गो के बाद पॉइंट है तो 1 2 के बाद पॉइंट, ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0.42 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को 42 का पता है स्क्वायर 7 ऐसे होता है 1764 होता है। अब देखिए 2 गो के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे हम लोगों को 4 गो के बाद पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो देखिए 441 जो है ये 21 का होता है स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा, डिवाइड में 3 है फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 225 जो है ये 15 का स्क्वायर होता है तो 15 निकल जाएगा, डिवाइड में 5 है फिर मल्टीप्लाई 64 बाय 256। तो ये देखिए 256 जो होता है ये 16 का स्क्वायर है। अब इतना आ गया, इसको हम लोग को बस कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 3 का टेबल में ये 7 बार में, फिर 5 का टेबल में ये 3 बार में, 16 का टेबल में ये 4 बार में। अब बचा हम लोग का 7 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 और 21 4 जा 84,
यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, 18/33 इज इक्वल टू √36 डिवाइड में देखिए रूट क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिखेंगे। जब भी हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो एक्स लिख के सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो 18/33 इज इक्वल टू √36 का 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है ये, 6 निकल गया। अब ये रूट एक्स ही रहने देते हैं। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा 18√x, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 18√x इज इक्वल टू 33/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू 33/6, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब काटते हैं 6 का टेबल में 3 बार में, अब 3 का टेबल में 11 बार में, तो हम लोग का आ गया रूट एक्स इज इक्वल टू 11। तो हम लोग का एक्स का पूछा गया था, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, रूट हटेगा तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक्स बाई 72 इज इक्वल टू 128/x, और x का मान निकालें तो x का मान देखिए कैसे निकालेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 128/72, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू √128/72। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे करके लिख दिए 122 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 122 को हम लोग फैक्टर मतलब एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल में ये देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल में 32, 2 का टेबल में 16, 2 का टेबल में 8, 2 का टेबल में 4 और 2 का टेबल में 2, तो कितना 2 आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2, ऐसे करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 को आया। अब वैसे ही फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 72 का भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 72 का भी हम लोग करते हैं, तो देखिए 3 का टेबल में 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, 3 4 जा 12। अब देखिए 3 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 2 बार में, तो हम लोग का आया 3 3, फिर 3 × 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 × 3 × 2 × 2 × 2, यही आया। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 2 में से एक निकल जाएगा, फिर 2 × 2 में से फिर एक निकल जाएगा, जितना निकलेगा सब मल्टीप्लाई में निकालेंगे हम लोग। फिर ये 2 × 2 है तो एक निकल गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 × 2 है तो एक निकल गया, 1 2, और यहाँ पे 1 2, 2 हो जाएगा तो एक निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 × 3 है तो 2 × 3 में से एक निकल जाएगा। अब हम लोग का हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा होता है आपका 96, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए ये सब रूट में है, हम लोग 3 है सब में तो 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ पे 2 का पावर 5 कर देंगे, 5 गो है तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हो जाता है 32। अब इसका ऊपर में हम लोग एक घटा के लिख देंगे 31, ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये बना के रखिएगा, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसको बना के रखिएगा, जैसे √5, फिर √5, ऐसे करते करते देखिए यहाँ तक है, तो इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा आंसर को, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।